बेहतर और बरक रफ्तार लीडिंग ऑनलाइन कश्मीर न्यूज सर्विस KNS। कोई फर्क कश्मीर पर नहीं लगती है। कश्मीरियत एक ऐसी चीज है। मैं बेसिकली अपनी थोड़ी सी बात रखना चाहता हूँ। आई एम बेसिकली फ्रॉम गाड़ियों को चाहे दिस एरिया। मेरे पिताजी यहाँ नीचे एक दुकान थी, वहाँ पे काम करते थे। तकरीबन 500 साल से हमारी वो फर्म चल रही थी और बदनसीबी से मुझे उस फर्म पे 1990 13 अक्टूबर को किसी लड़के ने 4 गोलियां मारी मेरे पेट में, जिसकी वजह से मैं जख्मी हो गया और मुझे यहाँ से रुख्सत करनी पड़ी। मैं दिल्ली सेटल हो गया। दिल्ली में अल्लाह ताला ने मुझे बहुत काम दिया है, मेरे पास बहुत बरकत है, मेरे पास घर भी बहुत बढ़िया है, मगर मुझे हर दम एक तकलीफ अंदर से थी। कश्मीर, कश्मीरी भाई, पानी का इच्छे। तो मैंने अपने बेटे को जो डॉक्टर है, डॉक्टर संदीप मावा, उससे कई बार बातें की है और हमने कश्मीर में इसलिए दुकान खोली है कि मेरे आखिरत का वक्त जो है अपने भाइयों के साथ गुजर सके। तो कैसा आप फील कर रहे हैं अभी मेरे को, मेरे साल के बाद यहाँ पर दुकान खोली? मेरे को इतना प्यार लोगों ने दिया, हालांकि मैं चूँकि निजी काम करा, मेरे बाकी दुकानदार जो है वो भी यही आइटम बेचते हैं, उसके बाद भी उन्होंने हमारी दस्तारबंदी की, हमारे को प्यार दिया, हमारे को पूरा हौसला दिया। एंड आई एम ऑनर्ड एवरीबॉडी केम एंड विश्ड, सब ने प्यार दिया और इज्जत बख्शी। कश्मीरियत अलग चीज़ है। कश्मीरियत हिंदुस्तान में बहुत घुमा हूँ, किसी जगह नहीं है कश्मीरियत। अल्लाह ताला करे कश्मीर पन आबाद, बुरे किसी दूर कश्मीर से कश्मीरी बाकी कश्मीर में लाइक बराबर काम दुनिया से पहुँचा। तो आपकी लाइफ में जो 30 साल गुजरे, जो बाहर आपने गुजारे कश्मीर से बाहर, तो वो 30 साल हमें बताइए कैसे लगे आपको, क्या नाइटमेयर जैसा लग रहा है कि 30 साल जो मेरे गुजरे वह तो वाई करान गुजरे। यहाँ मैं बसान आज कथान मैं आराम, मे रोहस आराम, तथा रोहस आराम कह, मेरे को वहाँ रूह में आराम नहीं है। आई एम वेरी हैप्पी इन कश्मीर, आई वॉन्ट टू सेटल इन कश्मीर। और जो कश्मीरियत है वो कश्मीर में ज़िंदा है। यहाँ के लोग बहुत नायक नायक ही आला किस्म के आदमी हैं, इनमें शऊर है, ये जानते हैं हमारी बदनसीबी पता नहीं क्या है, कहाँ से ये हालात ख़राब हो गए। बाकी कश्मीर इज़ जन्नत, कश्मीरी लोग जन्नत हैं। तो ये बताइए कि यहाँ कश्मीर में और बाहर, क्योंकि आप बाहर भी रहे हैं। जी बहुत रहा, 30 साल ज़मीन आसमान का फ़र्क। बहुत बनो तो कश्मीर पर ये दिन में बहुत गरीब बिहत तब वह तो वाई करान तथा पन कहें ये मैं सारी पन। मुझे यहाँ आकर बहुत चैन मिला है। तो जो बाकी लोग हैं जो उनको मैं यही कहूँगा, पंडित बरादरी यहाँ से भाग गए, उनके लिए क्या मैसेज करूँगा? उनको मैं यही कहूँगा कश्मीर का, मैं आपको एक बात साफ साफ कहूँ, कश्मीरी बरादरी का एक एक फर्द बेचैन है कश्मीर के लिए। कोई मौका मिले हमें आने का, हम डेफिनेटली रिसेटल हो जाएंगे, हमारा वतन अजीज है। आपने कोई मौका नहीं ढूंढा, आप खुद आए, तो उनके लिए क्या मैसेज होगी? उनको मैं कहूँगा मौका ढूंढिए, घर आइए। कश्मीर में सारे लोग 99% पीपल ह्यूमन है, एक कोई 1% जो होगा जिसको दिमाग में कोई खलीश है, बाकी 99% लोग नमाज गुजार, इज्जत करने वाले, बात को समझने वाले, संजीदगी में रहने वाले और बरादरी में रहने वाले। बस होते हुए ना जो इन्होंने मेरी दस्तारबंदी की, मेरे बेटे की दस्तारबंदी की, वो मेरे को उम्र भर भूलेगी नहीं। दिस इज हाईएस्ट ऑनर गिवन टू मी इन माई लाइफ। ताज़ातरीन मालूमात के लिए आप जुड़े रहें।